ई टीचिंग गुरुकुल में आपका स्वागत है। कंप्यूटर ग्राफिक्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आउटपुट प्रिमिटिव्स में जो DDL एल्गोरिथम्स है उसका एक न्यूमेरिकल्स जो होता है आपको फोर डिफरेंट एस्पेक्ट में समझा रहा हूँ, यानी फोर डिफरेंट कंडीशंस के बेस पर मैं समझा रहा हूँ। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि DDL एल्गोरिथम कैसे होता है, तो ऊपर वाले आइकॉन्स में आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। उसी तरह से मैंने उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैंने ये समझाया था कि डिफरेंट कंडीशंस क्या आता है, तो उन्हीं डिफरेंट कंडीशंस को समझने के लिए मैं एक कुछ एग्जांपल्स न्यूमेरिकल बेस पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए कि डिफरेंट कंडीशन के बेस पर हम उसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर लास्ट तक देखने के बाद अगर ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे YouTube चैनल का नाम है ई टीचिंग गुरुकुल। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं और ऊपर जो आपके आइकॉन्स आ रहे हैं उस पर आप क्लिक करके जो नेक्स्ट वीडियोस जो होता है उसको आप देख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये होता है। तो जैसे कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम दो तरीके से देखेंगे। पहला वाला प्रॉब्लम ये है कि 10-8 से लेके 18-12 तक चलना है, तो इसका मतलब है हम लोअर वैल्यू से लेके अपर वैल्यू यानी लोअर कोऑर्डिनेट्स x एंड y कोऑर्डिनेट से लेके अपर कोऑर्डिनेट्स पे चलना है। जैसे कि 10 आपका लोअर कोऑर्डिनेट से, 18 आपका हायर कोऑर्डिनेट से, 8 आपका लोअर कोऑर्डिनेट से, 12। तो उसके लिए सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है जिसको आपको सॉल्व करना है। यानी ये जो चार वैल्यूज दिए हैं यानी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहला जो पॉइंट है उसके जो दो पार्ट है उसका एक पार्ट होता है एक्स पार्ट, यानी लेफ्ट वाला पार्ट एक्स पार्ट होता है और राइट वाला पार्ट वाई पार्ट होता है। इसको हम लोग एक्स वन वाई वन सपोज करते हैं और इसको एक्स टू वाई टू। तो एक्स वन वाई वन का मतलब होता है कि स्टार्ट पॉइंट हो गया, एक्स टू वाई टू मतलब हो गया एंड पॉइंट। ठीक है, तो जिस तरह से लिखा हुआ है उसके हिसाब से इसको, तो ये एक्स वन हमने 10 ले लिया, वाई वन 8 ले लिया, एक्स टू 18 ले लिया, वाई टू 12 ले लिया। अब इसका हम डेल्टा एक्स निकालते हैं। डेल्टा एक्स को हम डी एक्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर डेल्टा एक्स यानी डिफरेंस बिटवीन द टू जो एंड पॉइंट्स है इसका एक्स डिफरेंस क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो इसका मतलब है एक्स टू माइनस एक्स वन लिखेंगे, 18 माइनस 10 लिखेंगे, 8 आया। उस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो सेकेंड वैल्यूज लिखा हुआ है, आप ये जो सेकेंड वैल्यू है ये डी वाई, तो डी वाई का जो वैल्यू आया वो 4 आया। तो ये पहला वैल्यू 8 आया, 4 आया। अब x का एक्सपेंशन जो होता है y के एक्सपेंशन से ज्यादा है, तो इसका मतलब है x will be incremented by 1 and the y will be calculated by the formula। तो वो क्या होगा वो चीज, तो यहाँ चीज वो चीज लिखा गया है कि dx is greater than dy, तो इसका मतलब है x का एक्सपेंशन ज्यादा है। अब हम कैलकुलेट करेंगे m, m का फॉर्मूला ऑलवेज यही होता है dy upon dx, तो यानी 4 upon 8 यानी 0.5 ये हमारा वैल्यू आ गया। अब रहते हैं एक्स का एक्सपेंशन ज्यादा होता है और डीएक्स की जो वैल्यू है, अब ये पॉजिटिव कैसे हो रहा है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने यही चीज बताया था डिफरेंट कंडीशन में कि पॉजिटिव कैसे हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक्स जो होता है 10 से लेके 18 पे जा रहा है, तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू ऑलवेज इंक्रीमेंट हो रही है। तो यानी ये इसी चीज को देख के हमको पता चल रहा है कि यहां जो हमारे पास वैल्यू आया 8 जो होता है ये पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है x विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 बाय दिस कंडीशन की x का एक्सपेंशन ज्यादा है, तो ये हो गया हमारा। अब y का इंक्रीमेंटेड बाय दिस फॉर्मूला, तो अब y भी पॉजिटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो डिफरेंस निकाला वो पॉजिटिव है, तो इसलिए dy इज पॉजिटिव। तो इसके बेस पर हमारे पास ये हो गया y और ये हो गया हमारा x। इसी चीज को हम फॉर्मूला में फिट करेंगे, सिंपल सी बात है। हमारा स्टार्ट पॉइंट है 10-8 है, तो अब इस 10-8 को हम जो होता है अब स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, यानी एक्स के प्लस वन क्या होगा, वाई के प्लस वन। आप देख सकते हैं इसको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, एक्स की वैल्यू को रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया, वाई की वैल्यू को जो कैलकुलेशन होता है बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है वो ग्रीन कलर के फॉर्मूला से आपको यहाँ पर सॉल्व किया गया है। तो देखिए सबसे पहला 10+1 यानी 11 आ रहा है और हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू वाई था वो 8 था, तो 8 प्लस 0.5 क्योंकि हमारे पास m की वैल्यू जो था 0.5। देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है यानी ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को आप अप्लाई करेंगे, तो जब आप इसको ये करेंगे तो आपके पास जो होता है 8.5 आ रहा है, तो 8.5 तो आपको इसका राउंड ऑफ करना है। अगर 0.5 या उससे अधिक होता है तो आप उसका नेक्स्ट वैल्यू लेंगे, यानी 8.5 विल बी ट्रीटेड एज ए 9। अब आ जाते हैं एक नेक्स्ट वैल्यू 12 आ गया, अब यहाँ पे 8.5 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये 9 आया, 9 मतलब 9.0 मतलब 9 आपका सेम रहेगा। इसी तरह से 9.5 आया तो 9.5 का 10 आया, तो इस तरह से आप जो था है इसको सॉल्व करेंगे और ये यहां से लेके यहां तक इस तरह से सॉल्व होगा। और इसके बाद जैसे लास्ट में 16.1 यानी 17 आया और यहां पे 11.5 मतलब 12 आया,
तो ये ऑलमोस्ट हम जो होता है नियर अबाउट पहुंच गए। अब नेक्स्ट वैल्यू में जैसे ये 18 हुआ तो ये हो गया 12। आप देख सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो 18-12 है, तो यानी 18-12 हमको मिल गया, तो दैट इज एंड। तो यहाँ पे हमको एंड कर देना है, इसके आगे और कैलकुलेशन नहीं करेगा। तो ये एक बहुत सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया ये वैल्यू का। अब चलिए इसको उल्टा करके देखते हैं, यानी हम इसको ऑपोजिट लेते हैं। ऑपोजिट मतलब अब जो होता है जो हायर वैल्यू था उसको स्टार्ट पॉइंट मान लेते हैं और लोअर वैल्यू को जो होता है एंड पॉइंट, जस्ट इसका ऑपोजिट जो हमने अभी पहले वाला देखा था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 10-8 स्टार्ट पॉइंट था, अब ये 10-8 को हम जो तो ऑपोजिट, यानी सेम क्वेश्चन को हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके चलेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, सेम एज है। अब जो था x1 की वैल्यू 18 हो जाएगी, पहले 10 थी, अब 18 हो जाएगी। y2 की y1 की वैल्यू 12 हो जाएगा, ये हो गया ये। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, dx कैलकुलेट करेंगे। तो dx जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपका जो dx है वो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन हम इसको 8 इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि एक्सपेंशन शो करने के लिए नेगेटिविटी हम नहीं देखते, उसके क्वांटिटी को देखते हैं एक्सपेंशन के लिए। तो इसलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8, सेम एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 के लिए हम यूज करें 4। तो अब इन दोनों के बीच में कंपेरिजन हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में जब हम कंपैरिजंस कर रहे हैं तो 8 इज ग्रेटर, तो इसका मतलब है x का एक्सपेंशन ज्यादा है। तो इसका मतलब हुआ कि x का या तो इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा बेस्ड ऑन द जो हमारे पास वैल्यू आया, नेगेटिव आया या पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं यहां d का dx इज ग्रेटर देन, तो इसका मतलब है x का एक्सपेंशन ज्यादा है, तो x विल बी इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड। अब डिक्रीमेंटेड होगा कि नहीं ये डिपेंड करता है कि यहां पे लिखा गया है dx की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आई है। देखिए 0.8 -8 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो होता है इंक्रीमेंटेड डिक्रीमेंटेड बाई 1 होगा, यानी वो 1 से डिक्रीमेंट होगा। इससे पहले वाले में 1 से इंक्रीमेंट हो रहा था क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो उस तरह से लिया था। उसी तरह से y के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वही सेम लगेगा, बट यहाँ पे आपका पास देख सकते हैं दैट इज नेगेटिव वैल्यू। अब उसी चीज को सेम इंप्लीमेंट करेंगे, हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं 18 से स्टार्ट करें क्योंकि इनिशियल वैल्यू हमारा 18 है, तो 18 -1 17 हो गया, और उसके बाद जो होता है 12 -5 11.5। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 11.5 मतलब नियर अबाउट 12 होता है, उसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, फिर 12 के बाद 11 दो बार आया, देखिए 10 आया, फिर 10 आया। इस तरह से आप देखेंगे कि एग्जैक्टली आपके पास ये वैल्यू मिल रहा है और लास्ट में आपको 10-8 जो कि आपको देख सकते हैं कि ये एंड वैल्यू है। तो स्टार्ट वैल्यू हमने यहां से शुरू किया और उसके बाद एंड वैल्यू आपको मिल गया। तो इस तरह से आपके पास अगर सक्सेसफुली ये वैल्यू आप गेट करते हो या मिलता है आपको, तो इसका मतलब है आपका जो फॉर्मूला है वो सही है और आपने सही तरीके से इसको कैलकुलेट किया है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको हिंट देना चाहता हूं, जब भी आप इस तरीके का कैलकुलेशन करते हो, कोई भी कैलकुलेशन, जब अगर आपने एंड पॉइंट जो दिया हुआ है वो अगर सक्सेसफुली आपने बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रॉब्लम के अगर गेट कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो कैलकुलेशन सही है। अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो इसका मतलब है डेफिनेटली आपने m का वैल्यू गलत निकाला होगा और उसको कैलकुलेशन में फिट करने में गलती होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें कि हम देख रहे हैं, अभी हमने देखा x का एक्सपेंशन ज़्यादा था, अब हम यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं कि y के एक्सपेंशन को ज़्यादा लेके अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, दोनों कंडीशन चेक करेंगे, लोअर वैल्यू टू अपर वैल्यू और अपर वैल्यू टू लोअर वैल्यू, यानी स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट को आपस में चेंज करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम है, सबने लिया सब लिया, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि x का एक्सपेंशन y के एक्सपेंशन से कम है, तो इसका मतलब है dy जो होता है dx से ज्यादा है। तो dy एंड dx से ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी सीधी बात, y का इंक्रीमेंट जो होता है या डिक्रीमेंट होगा 1 से और x जो होता है कैलकुलेट होगा। तो इस तरह से हमने यहां निकाला m, और यहां पे 1 अपन m निकालने की खास बात है क्योंकि कैलकुलेशन में x के लिए 1 अपन m यूज होता है, क्योंकि y के लिए m यूज होता है, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल जो होता है इसके लिए होता है। इससे पहले वाले वीडियोस में जो डीरी एल्गोरिथम में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से इसको लेते हैं। तो ये 1 अपन m को कैलकुलेट करना है, ये हमारा मेन वैल्यू है जिसको हमको यूज करना है। अब जाते हैं, आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पे बताया, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि x का इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, तो x का इंक्रीमेंट होगा क्योंकि dx की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आया है, तो इसलिए x का इंक्रीमेंट हमने इस तरह से किया, y का इंक्रीमेंट 1 से किया। अब सेम है, सेम चीजों को यहां पे वही किया है कि 15 प्लस 0.7 हम यूज कर रहे हैं क्योंकि x में 0.7 लगा रहे हैं। अब इस तरह से आपके पास 15.7 आया, 15.7 यानी 0.5 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है नियर अबाउट 16 आएगा, और दूसरा 16 आया, फिर तीसरा 17 18 19 20 इस तरह से आया, इसमें आ रहा है आपके पास 16.4 मतलब 0.5 से नीचे है, तो इसे यानी ये 16 कहलाएगा। इस तरह से 17.1 यानी 0.5 से नीचे है, तो इसका मतलब 17 ही रहेगा। 17.8 यानी 0.5 से ऊपर है, तो इसका मतलब है वो 18 हो जाएगा, अपर वैल्यू पे चले जाएगा। 18.5 यानी 0.5
या उससे अपर है, तो इसलिए वो 19 वैल्यू। तो इस तरह से जब आप देखते हैं तो लास्ट में आपको जो कैलकुलेशन में मिला है एक्जैक्टली देखिए x का वैल्यू, जैसे y का वैल्यू अगर आपको 22 मिल रहा है तो x का वैल्यू आपको 20 मिल रहा है, तो देखिए एक्जैक्टली वही मिला है, तो इसका मतलब आपके कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही वाले सेम प्रॉब्लम्स को मैं जस्ट रेसिप्रोकल करके देखता हूँ। रेसिप्रोकल कैसे होगा देखिए, ये मैं जस्ट उल्टा कर दिया, यानी जो पहले एंड पॉइंट था उसको स्टार्ट पॉइंट ले लिया, अब स्टार्ट पॉइंट को एंड पॉइंट ले लिया। सेम एज मैंने यहाँ कैलकुलेट किया, यहाँ पे ये नेगेटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव आया, मैंने क्वांटिटी के लिए ये मैंने इस तरह से लिखा है इसको ताकि इसका क्वांटिटी आपको पता चल सके। अब यहाँ दिख रहा है कि 7 का जो वैल्यू है वो 5 के वैल्यू से ज्यादा है, तो इसका मतलब है नेगेटिविटी को लेके हम dx एंड dy के बीच में कंपैरिजन नहीं दे, हम कंपैरिजन करते हैं उसके क्वांटिटी को लेके, यानी 7 एंड 5, माइनस 5 एंड माइनस 7 अगर कंपेयर करेंगे तो माइनस 5 इज ग्रेटर, तो इसका मतलब x का एक्सपेंशन ज्यादा है, लेकिन वो सही नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं क्वांटिटी, यानी x का जो, यानी डिफरेंस बिटवीन द x एंड डिफरेंस बिटवीन द y का क्वांटिटी क्या है, तो हम देख सकते हैं y, तो आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस साइन को लेके हम एक्सपेंशन को मेजर नहीं करते, एक्सपेंशन को मेजर करने के लिए हम ऑलवेज जो होता है उसकी क्वांटिटी से करते हैं, तो यहां क्वांटिटी के हिसाब से ये ज्यादा है, तो फार्मूला विल बी सेम। अब सेम एज मैं वही चीज अप्लाई करूंगा ये चीज, तो यानी हमको 0.7 का ही यूज करना है और वही चीज मैं अप्लाई करूंगा जो अभी प्रीवियस वाले एग्जांपल में किया था, लेकिन यहां पे हम नेगेटिव यूज करेंगे, तो जो भी हो रहा है नेगेटिव हो रहा है आप देख सकते हैं। तो वही चीज मैं जब अपर वैल्यू से स्टार्ट कर रहा हूं तो हमको 15/15 यानी आपका एग्जैक्ट दोनों वैल्यू जो होता है सेम आ रहा है जो हमको चाहिए था। तो इस तरह से अगर आपका कैलकुलेशन होता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो कैलकुलेशन किया वो ही है। तो इस तरह से मैंने चार डिफरेंट कंडीशंस को शो किया है, एक्स के एक्सपेंशन को ज्यादा करके शो करवाया, और इस तरह से मैंने दो एग्जांपल लिया जिसमें कि वाई का एक्सपेंशन ज्यादा है और उसके स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट को आपस में स्वैप करके आपको एग्जांपल समझाया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर अच्छे से समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ई-टीचिंग गुरुकुल, रिलेटेड इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज हो या आपके पास कोई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जिसको आपके माइंड सेटअप में अराइज हो रहा है तो यू कैन जनरेट एंड सॉल्व इट, अगर सॉल्व नहीं होता है तो यू कैन आस्क मी थ्रू माई मेल आईडी जिसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वंस अगेन थैंक यू, धन्यवाद।